हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे वर्टिकल गार्डन के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट आपसे शेयर करूंगी, जो परमानेंट प्लांट होते हैं। और वर्टिकल गार्डन में आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा, तो जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि वर्टिकल गार्डन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, ये प्लांट्स नीचे रखे हुए हैं, तो ऊपर का जो स्पेस, मतलब ये जो दीवार है, ये वर्टिकल स्पेस हो गया। तो इसमें हम कुछ प्लांट्स हैंग करके या फिर इसमें ड्रिल करके फिक्स करके इस स्पेस को जब यूज़ करते हैं और एक गार्डन का लुक देते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल गार्डन। तो उसी के लिए मैं प्लांट्स आपको सजेस्ट करूँगी। अक्सर आपने पेट्रोल पम्प्स पर देखा होगा कि वहाँ पर वर्टिकल गार्डन बनाया होता है, जिसमें छोटे छोटे से पॉट एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया होता है स्पेस को सेव करने का। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहला जो प्लांट मैं करूँगी शेयर आपसे, वो है ये स्पाइडर प्लांट। वर्टिकल गार्डन के लिए स्पाइडर प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर क्योंकि सीक्वेंस में अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो टॉप मोस्ट लेयर में आप स्पाइडर प्लांट लगाइए। और ये इनको तो आप इनके छोटे छोटे रनर से ग्रो कर सकते हैं। तो पहला प्लांट ये है। और दोस्तों, सेकंड जो प्लांट मैं सजेस्ट करूँगी, सेकंड प्लांट है ये ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट। और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है सीक्वेंस में, जब एक पूरी लेयर में ये प्लांट लगाया जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये परमानेंट प्लांट होता है, एवरग्रीन है, पूरे साल भर आपके वर्टिकल गार्डन में बना रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट थर्ड लेयर के लिए जो प्लांट मैं सजेस्ट करूंगी वो है ये पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट प्लांट भी बहुत सुंदर लगते हैं, और ये भी छोटे छोटे से पॉट में, क्योंकि छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते, पूरा कवर कर लेते हैं। वर्टिकल गार्डन में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पॉट तो नहीं लगाए जाते, मैक्सिमम 6 इंच के प्लांट होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े पॉट नहीं रख सकते। तो उनमें ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। स्पाइडर प्लांट तो वेरीगेटेड था, उसके बाद जो ड्वार्फ वैरायटी का नॉन वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, उसके बाद ये वाला जो कलर है ये एक बहुत अच्छा लुक देगा। थर्ड लेयर के बाद जो फोर्थ लेयर दोस्तों आ जाती है, फोर्थ लेयर में आप लगाइए जेड प्लांट, मिनी जेड प्लांट। इसकी कटिंग्स को आप लगाएंगे ना, तो फोर्थ लेयर में ये बहुत अच्छा लुक देगा। और जब आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही हैंग करने लगता है, तो ये बहुत अच्छा लुक देगा वर्टिकल गार्डन को। जेड प्लांट को लगाने के बाद नेक्स्ट जो प्लांट मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है ये रियो प्लांट। तो रियो प्लांट भी बहुत अच्छा लुक देगा, और एक पूरे सीक्वेंस में जब आप इस प्लांट को लगाएंगे तो सच में बहुत ही, ये पूरा गमला या जिस भी चीज़ में पॉट में लगाते हैं पूरा कवर कर लेता है। मैं अप्रैल में इसमें से 2 प्लांट सिर्फ छोड़ के गई थी और बहुत सारे प्लांट लेके गई थी, और आप देखिए 3-3.5 मंथ में ही ये पूरा गमला भर गया है, उस पर बुलबुल चहचहा रही है देखिए। और लास्ट वाला जो प्लांट मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक कलर कॉम्बो में हो गया, और इसके बाद जो लास्ट वाली लेयर बचती है 6th लेयर, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी टर्टल वाइन। ये देखिए, ये है टर्टल वाइन। तो सबसे लास्ट की लेयर में जब ये प्लांट लगेगा और ये ऐसे हैंग करेगा, बहुत एवरग्रीन लुक देता है, परमानेंट होती है ये भी, तो ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगा आपके वर्टिकल गार्डन को। तो ये कुछ प्लांट्स थे दोस्तों जो वर्टिकल गार्डन के लिए बेस्ट एंड बेस्ट होते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो वर्टिकल गार्डन आपको ज़रूर बनवाना चाहिए, स्पेशली आजकल अपार्टमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वर्टिकल स्पेस को यूज़ करके और उसमें गार्डनिंग करने का। तो मेरा भी बालकनी गार्डन है, और मैं भी इसी गार्डन से अपने वर्टिकल गार्डन को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स लेके जाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।